सो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। दिस इज बिफोर बुलेट और आज भाई हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑल न्यू रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड बटालियन ब्लैक फुल मॉडिफाई। तो भाई इस बाइक को जो है भाई फुल्ली लोडेड हम बोल सकते हैं। इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन, कितनी कॉस्ट लमसम आई है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा रिव्यू भी साथ में आपको मैं देने वाला हूँ कि अगर आप बटालियन ब्लैक लेना चाहते हो तो उसमें आपको क्या क्या फीचर्स और कैसा इसका लुक मिलने वाला है, और आप इसमें भाई एलॉय व्हील्स वगैरह लगवा के इसको कैसा लुक दे सकते हो। सबसे पहले भाई स्टार्ट करता हूँ तो आपको मैं इसका टैंक दिखाता हूँ। तो भाई इसका टैंक देखोगे तो वही ओल्ड रेट्रो लुक स्ट्राइपिंग वाला है जो अपनी ओल्ड स्टैंडर्ड में आपको मिलता था। इसके लोगो की बात करें तो भाई लोगो इसका चेंज हो गया है, मॉडिफाई करके लोगो कंपनी ने दिया है, जिसके अंदर आपको क्राउन भी देखने को मिलेगा। अब भाई इसके जो फ्यूल का जो पेट्रोल का वो है कवर, ये थोड़ा सा स्प्लिट बना दिया है कंपनी ने ताकि थोड़ा सा वाटर वगैरह के अंदर जाने की प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़े आपको। फ्रंट से भाई इसका मैं आपको हेड दिखाऊं तो इस तरीके का भाई बाइक का हेड मिलेगा आपको। साथ में आपको भाई ब्लैक कलर के दो इसमें आपको मिरर्स दिखेंगे मिलेंगे साथ में, जिसमें आप भाई पीछे देख सकते हो। एंड भाई यहाँ से अगर आपको मैं इसके लीवर्स दिखाऊं तो क्लच लीवर एंड ब्रेक लीवर इसका भाई आपको सिल्वर कलर के जो एलुमिनियम है इसके अंदर आपको अवेलेबल होता है कंपनी की तरफ से। इंडिकेटर का साइज़ भाई काफ़ी छोटा कर दिया गया है। भाई अगर मैं आपको अपनी ओल्ड वाली स्टैंडर्ड दिखाऊं तो इसके इंडिकेटर देखो उस वक्त कितने बड़े आते थे साइज़ में, लेकिन अब भाई इसके जो है अब जो न्यू मॉडल्स आ रही है इनके इंडिकेटर काफ़ी छोटे हो गए हैं। और इनके भाई फ्रंट का जो ये कवर है ये भाई ऑरेंज कलर का आता है। इंजन की बात करूँ तो भाई जे सीरीज़ का आपको इसके अंदर इंजन मिलता है 350 सीसी की ये बाइक है भाई। यहाँ पे आपको इसके साइड पैनल्स में दोनों तरफ आपको बुलेट 350 की बैजिंग मिलेगी। इधर आपको जो फुटरेस्ट है वहाँ भी आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को मिलेगी। अब भाई फ्रंट से अगर मैं आपको बाइक का लुक दिखाऊं तो बहुत ही शानदार भाई बाइक का लुक है। ओल्ड वाली जैसी हमारी हेडलाइट आती थी उस तरीके की हेडलाइट इसमें आपको कंपनी की तरफ से मिल रही है। लेकिन भाई इसमें आप हेडलाइट वगैरह आप चेंज भी करवा सकते हो, LED वगैरह लगवा सकते हो अपनी तरफ से। शोकर्स में आपको भाई इधर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेंगे। जो बिल्ड क्वालिटी है भाई मडगार्ड वगैरह की काफ़ी जो है बेहतर है और प्रीमियम क्वालिटी है भाई। इसके जो अंदर मेटल यूज़ किया है उसकी पेंट जॉब की बात करें तो भाई पेंट जॉब भी काफ़ी अच्छा है, ग्लोसी ब्लैक है। पीछे से भाई मैं आपको दिखाऊं लुक तो अभी तक जो स्टैंडर्ड आ रही थी अपनी वो भाई दूसरी सीट के साथ आ रही थी, जैसी लगभग हंटर में सीट आती है उस तरीके की सीट थी उसके अंदर। लेकिन अब ये बटालियन ब्लैक न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है आप लोगों की डिमांड को देखते हुए, तो इसके अंदर कंपनी ने भाई सीट और पीछे की जो टेल है इसकी वो चेंज करी है। इसमें जो अब हमारी ओल्ड बुलेट वाली सीट आती थी भाई वही वाली सीट उसी टाइप की कंपनी ने प्रोवाइड करवाई है, जिससे भाई इसका लुक जो है बेहतर आ रहा है और थोड़ी थोड़ी ये भाई अब ओल्ड बुलेट जैसी लुक और फील दे रही है। पीछे से भाई मैं टेल की भी बता रहा था आपको, तो टेल अगर आप पीछे से दोबारा देखोगे तो यहाँ से थोड़ा सा इसमें कर्व दे रखा है कंपनी ने, यहाँ पे भाई आपकी नंबर प्लेट लगती है। अब भाई बात करते हैं इसके जो मेन जो इसकी लुक और बातचीत आ रही है वो इसके भाई एलॉय व्हील से आ रही है। फिलहाल इस बाइक में अभी भाई शोरूम में खड़ी है तो अभी रेडी हो रही है धीरे धीरे। इसमें अभी लेग गार्ड और सम गार्ड लगना बाकी है फिलहाल, जो आपको मैं ये बता रहा था एलॉय व्हील के बारे में। तो भाई 3S ब्लेड वाले ये डायमंड कटिंग के साथ एलॉय व्हील आते हैं, आप मार्केट में जाके इनका नाम ले सकते हो, ये वाला डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। तो भाई इसमें इस बाइक में ये एलॉय व्हील लगे हुए हैं भाई, काफ़ी बढ़िया लुक दे रहे हैं, आप भी अपनी बाइक में लगवा सकते हो अगर आपके पास बटालियन ब्लैक है तो। एंड भाई इसमें इस बाइक में जो है दोनों टायर भाई फ्रंट और रेयर वाला दोनों भाई ट्यूबलेस हो रखे हैं, और पीछे का टायर आपको पता ही है अब तो भाई ब्रोड आता है, लेकिन भाई इसका टायर चेंज ही करवा रखा है जिस भाई ने करवा रखी है ये, क्योंकि भाई ये ट्यूबलेस बनवा रखी है। तो बस भाई इतना ही बताना था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। बटालियन ब्लैक कैसी लगी भाई आपको एलॉय व्हील के साथ में ये भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।